सिरसा जिला प्रशासन ने प्रोत्साहन नाम से एक नई मुहिम की शुरुआत की है। प्रोत्साहन मुहिम के तहत जरूरतमंद होनहार छात्रों को IIT JEE नीट की कोचिंग 100% मुफ्त में दी जाएगी। जिला प्रशासन ने इस मुहिम में 4 बच्चों का चयन किया है जिन्हें मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए सिरसा के उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि प्रोत्साहन मुहिम का मकसद उन जरूरतमंद होनहार छात्रों को अच्छी शिक्षा देना है जो कि धन की कमी के चलते इस तरह की कोचिंग से वंचित रहकर पढ़ाई नहीं कर सकते। वहीं प्रशासन की इस मुहिम को छात्रों ने भी बहुत अच्छा कदम बताया। बता दें, इस मुहिम का फायदा उन बच्चों को होगा जो किन्हीं कारणों के चलते कोचिंग नहीं ले सकते। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिरसा ने एक नया पायलट बेसिस पे एक नया शुरू किया प्रोत्साहन, जिसका नाम रखा है हमने इनिशिएटिव का। इसके तहत हमने विद्या मंदिर क्लासेस, जो कि दिल्ली का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो IIT और ऑल इंडिया PMT नीट वगैरह की कोचिंग देते हैं, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की, तो उनके साथ हमने टाई अप किया है। हमने अपने यहाँ पे अप्रैल 2018 में एक टेस्ट करवाया था जिसमें कि हमारे सभी जो बच्चे बैठे थे टेस्ट में, 10th ऑनवर्ड जो टेस्ट हुआ था, तो उसमें हमारे 4 बच्चे जो टॉपर रहे हैं उस टेस्ट में उनको सिलेक्ट किया है, जिसमें से प्रदीप कौर, पूजा सोनी, मुस्कान शर्मा, दिलजीत सिंह, 3 बच्चियां हैं और एक बच्चा है। तो इनको विद्या मंदिर की तरफ से फ्री कोचिंग दी जाएगी IIT के लिए या इंजीनियरिंग जो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट है उनके लिए, और जो मेडिकल का हमारा ऑल इंडिया PMT नीट है जो टेस्ट, उसके लिए प्री मेडिकल के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। और इनकी तरफ से आज हम ये स्कॉलरशिप 100% जो स्कॉलरशिप का इनको बच्चों को दे रहे हैं। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि हम इनको यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें। हमने नेशनल कॉलेज में बात करी है बच्चियों के लिए और लड़के के लिए भी हमने बात करी ITI में, परंतु ये इनका ये भी है कि घर में अगर बच्चे लेके जाते हैं तो घर में बच्चा पढ़े, इस प्रकार का माहौल दें, क्योंकि जो दोनों इंजीनियरिंग और मेडिकल जो दोनों स्ट्रीम हैं उनमें एंट्रेंस बहुत मुश्किल है, आज के दिन में बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बच्चे को माहौल दें, बच्चे के ऊपर सारा दारोमदार है। अप्रैल 2018 में VMC क्लासेज ने ही एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, DO साहब ने उसमें जो सारे स्कूलों के जो बच्चे हैं इनका 4500 बच्चों का टेस्ट हुआ था, तो उसमें जो बच्चे टॉपर आए थे उसमें भी जो बच्चों को देखा गया कि जिन बच्चों को मतलब सपोर्ट हो सकती है कहीं से, जो अपने लेवल पे जा सकते हैं अच्छी जगह, तो उनको हमने नहीं लिया, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ही पुअर बैकग्राउंड से हैं जिनका सपोर्ट करना मुश्किल है अभिभावकों के लिए और जिनके मन में इच्छा है कुछ करने दिखाने की, उन बच्चों को हमने लिया है। कोशिश हमारी यही है कि सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे चलता रहे, अपने आप चलता रहे, एक बार शुरू हो जाए फिर ये बच्चे निकलें, उससे आगे मोटिवेशन होगी, उससे अगले साल फिर हमारे और बच्चे आएंगे सामने, उससे अगले साल